सो ओके गाइज, आज की इस वाले वीडियो में हम करने वाले हैं गाइज कुछ इस तरह के क्रिएटिव कंसेप्ट जो कि गाइज काफी कूल होने वाला है। एंड गाइज अगेन, ये वाला जो वीडियो गाइज एक कॉलैब वीडियो है इम्तियाज एडिट्स के साथ। सो गाइज अगर आप उसे फॉलो करना चाहते हो गाइज, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखा है, वहां से गाइज आप इसे इजिली फॉलो कर सकते हो। ऑल्सो गाइज आज के इस वाले वीडियो के लिए हम यूज करेंगे पिक्सआर्ट, स्नैपसीड एंड फोटो रूम एप्लीकेशन। सो गाइज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सो ओके गाइज, यहाँ पे आपको सबसे पहले स्नैपसीड एप्लीकेशन में अपना जो फोटो है गाइज उसे ऐड करना है। एंड यहाँ पे गाइज हम इसको थोड़ा बहुत फिक्स करने वाले हैं, तो उसके लिए गाइज मैं यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे जाता हूँ। एंड गाइज देन यहाँ पे आपको गाइज पोर्ट्रेट वाले आइकन पे टैप करना है। पोर्ट्रेट पे जाने के बाद गाइज आपको स्पॉटलाइट 2 पे टैप करना है, फिर गाइज फेस स्पॉटलाइट गाइज थोड़ा बहुत कम करना है। एंड यहाँ पे गाइज आपको आई क्लियरिटी जो गाइज उसे थोड़ा बहुत बढ़ा देना है। फिर इस तरह से गाइज आपको यहाँ पे कर देना है डन। एंड डन करने के बाद गाइज थोड़ा बहुत यहाँ पे हमें इसमें HDR इफेक्ट देना है, तो उसके लिए गाइज मैं फिर से पेंसिल वाले आइकन पे जाता हूँ। देन गाइज यहाँ पे आपको HDR पे टैप करना है, तो इस तरह से गाइज आपको यहाँ पे फिल्टर स्ट्रेंथ जो है गाइज थोड़ी बहुत कम करनी है। एंड गाइज यहाँ पे कर देना है डन। तो अभी गाइज यहाँ पे हमारा जो स्नैपसीड का काम है गाइज वो फिनिश हो जाता है। मैं गाइज इस वाली इमेज को सेव कर देता हूँ गैलरी में। नेक्स्ट गाइज आपको यहाँ पे इस वाली इमेज को कर देना है एक्सपोर्ट गाइज फोटो रूम एप्लीकेशन में। सो गाइज यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है गाइज वो इरेज हो जाए ऑटोमेटिक। डन गाइज यहाँ पे हमारा जो बैकग्राउंड है गाइज वो बिल्कुल परफेक्टली इरेज हो चुका है। अभी गाइज आपको इस वाले आइकन पर टैप करके इस वाली इमेज को कर देना है सेव फिर से गैलरी में। तो यहाँ पे गैलरी में सेव करने के बाद गाइज आपको आना है यहाँ पे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। ओके गाइज यहाँ पे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आने के बाद गाइज आपको ये वाला जो व्हाइट बैकग्राउंड है गाइज यहाँ पे ऐड करना है। देन ऐड करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे जाना है ड्रा टूल के अंदर। एंड ड्रा टूल में जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पे लेयर्स वाले आइकन पे टैप करना है। ये वाली जो लेयर है गाइज इस पर आपको एक फोटो ऐड करनी है। सो मैं यहाँ पे ऐड ऑब्जेक्ट्स पर जाता हूँ, देन गाइज फोटोज पे। एंड फोटोज पे जाने के बाद गाइज अभी हमने जिस इमेज का गाइज बैकग्राउंड इरेज कर लिया गाइज वही हमें यहाँ पे ऐड करनी है। लेकिन गाइज यहाँ पे आपको बिल्कुल परफेक्टली इसे यहाँ पे प्लेस कर देना है। सो यहाँ पे गाइज रिजल्ट्स आपको काफी ऑसम देखने को मिल जाएंगे। ओके गाइज प्लेस करने के बाद गाइज आपको फिर से यहाँ पे इस वाले लेयर पे जाना है। देन गाइज आपको यहाँ पे इस वाले आइकन पे टैप करना है। देन यहाँ पे एम्प्टी लेयर को सिलेक्ट करके गाइज आपको यहाँ पे जाना है ऐड ऑब्जेक्ट्स पे। ऑब्जेक्ट्स पे टैप करने के बाद फोटोज पे जाना है। एंड यहाँ से गाइज आपको ये वाला जो PNG गाइज ऐड करना है, जो कि गाइज आपको मिल जाएगा मेरी वेबसाइट पे गाइज इजिली, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक गाइज मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। सो ओके गाइज यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है काफी क्रिएटिव हो चुका है, लेकिन गाइज अभी भी इसमें थोड़ा बहुत और वर्क करना है। सो यहाँ पे गाइज हमारा जो कंसेप्ट है काफी बढ़िया हो जाएगा, तो उसके लिए गाइज मैं फिर से एम्प्टी लेयर वाले आइकन पे जाता हूँ। देन गाइज मैं यहाँ पे एम्प्टी लेयर्स को सिलेक्ट करके इसे प्लेस कर देता हूँ गाइज बिल्कुल मिडल में यहाँ पे। फिर गाइज आपको क्या करना है, ब्रश वाले आइकन पे टैप करना है। देन गाइज ब्रश पे जाने के बाद गाइज आपको ये वाला जो ब्रश है गाइज आपको ऐड करना है यहाँ पे। ये वाला ब्रश आप देख लीजिएगा यहाँ पे। तो ये करने के बाद गाइज अभी आपको क्या करना है, अपने इमेज को कर देना है जूम गाइज इस तरह से। एंड जूम करने के बाद गाइज आपको कलर्स वाले आइकन पे जाना है। यहाँ पे गाइज आपको इस वाले आइकन पे टैप करना है, फिर गाइज आपको यहाँ पे ये वाला जो कलर है सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद गाइज आपको हल्का इस तरह से यहाँ पे गाइज ब्रश कर देना है। यहाँ पे गाइज हम ब्रश के साइज को थोड़ा बहुत कम कर देते हैं। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो गाइज बिल्कुल ऑसम हमारी जो पिक्चर है हो चुके है। अभी गाइज आपको यहाँ पे कर देना है डन। डन करने के बाद गाइज अभी हम मैन टूल्स पे आ जाते हैं। एंड यहाँ पे गाइज हमें थोड़ा बहुत इसमें डॉज एंड बर्न इफेक्ट डालना है, जो कि गाइज हमारे पिक्चर को और ही बढ़िया बनाने वाला है। यहाँ पे गाइज टूल्स पे जाना है। एंड टूल्स पे जाने के बाद एडजस्ट पे टैप करना है। सो मैं यहाँ पे गाइज सबसे पहले ब्राइटनेस को गाइज इस तरह से कम कर देता हूँ एंड कंट्रास्ट को गाइज इस तरह से बढ़ा देता हूँ। फिर गाइज मैं यहाँ पे ब्रश वाले आइकन पे जाता हूँ एंड गाइज इन्वर्ट कर देता हूँ इसे। फिर रिस्टोर पे टैप कर देता हूँ। हार्डनेस को गाइज थोड़ा बहुत कम एंड साइज को गाइज इस तरह से एडजस्ट करके मैं साइड साइड में गाइज इस तरह से डार्क स्पॉट्स डाल देता हूँ। एंड डन करने के बाद गाइज आपको फिर से टूल्स पे जाना है, एडजस्ट पे जाना है। अभी गाइज आपको ब्राइटनेस को बढ़ा देना है इस तरह से। फिर गाइज आपको इस वाले आइकन पे जाना है, इन्वर्ट कर देना है गाइज रिस्टोर पे। हार्डनेस को गाइज थोड़ा बहुत कम एंड साइज को भी गाइज इस तरह से कम करके जहाँ जहाँ पे गाइज आपकी लाइट आ रही है वहाँ पे गाइज आपको इस तरह से कर देना है। सो फ्रेंड्स इस तरह से आप ये वाला जो कंसेप्ट है गाइज क्रिएट कर सकते हो अपने फोटोज पे, जो कि गाइज काफी ऑसम है। आई होप गाइज आपने इस वीडियो को लाइक एंड गाइज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया हो। सो मिलते हैं गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में नए एक अमेजिंग वीडियो के साथ। सो गाइज तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।